जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। पहले तो सबसे बात, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बताते चलो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से रामेश्वर धाम सरकार की कथा के जो दूसरे दिन की कथा थी वो आप चित्रों के दर्शन कर रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के दूसरे दिन की कथा के चित्र हैं। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का रामेश्वर धाम में शिवलिंग का निर्माण भी किया जा रहा है और इधर अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, आपको पता ही है। तो आप लोग के जीवन में अगर दुख तकलीफ आती है तो उसको झेल लें और परमपिता परमात्मा का दुख समझ कर यहाँ उसको परमपिता परमात्मा का भजन करते रहें, वो धीरे धीरे कट जाएगा। मैं बताते रहूँ, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से नहीं, अनेक प्रकार के साधु संत महापुरुषों को भी किसी को भी गुरु बना सकते हो। आपका बड़ा भाग्यपन है, आपने मनुष्य का योनि पाई है और परमपिता परमात्मा के भजन करते हो, चिंतन करते हो, ना तो अन्यथा लोग जन्म लेकर ही नरक के समान जी रहे हैं। मानता हूँ सुख और दुख, आपके जीवन में दुख ज़्यादा होगा उनसे ज़्यादा, मगर उनके जीवन में भी दुख है, वो दुख की अनुभूति नहीं करते क्योंकि उनकी तो खुद नरक जैसी ज़िंदगी है। तो आप अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसी समझें और नरक जैसी ना समझें, परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखें। कहते हैं धीरज रख पगली आएंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार जरूर होंगे, आपकी बिगड़ी जरूर बनेगी, और विश्वास रखो आप अपने बालाजी पर, हनुमान जी पर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कमेंट बॉक्स में नए साल की बधाई मुझे भी दे दें। हैप्पी न्यू ईयर।